नमस्कार प्रिय किसान साथियों, बंतिका टेक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं, सर्दी का मौसम चल रहा है और आने वाले समय में सर्दी का प्रकोप बढ़ने के आसार है। इसका असर कुछ हद तक दिखने भी लगा है। दिन प्रतिदिन तापमान में कमी आ रही है। सुबह और रात के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। किसान भाइयों, विशेषकर उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप कुछ अधिक रहता है। इसका प्रभाव इंसानों के साथ साथ फसलों पर भी पड़ता है। इसलिए सर्दी के मौसम में फसलों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वे फसलों को शीतलहर व पाले से बचाने के लिए अनेक प्रयास तेज कर दें, ताकि संभावित हानि से बचाया जा सके। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में कृषि से जुड़ी अनेक प्रकार की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, हमारी वेबसाइट भी है बंतिका टेक के नाम से, आप उस पर भी जाकर विजिट करके देख सकते हैं। वहाँ पर भी हम अनेक प्रकार की कृषि से जुड़ी जानकारी किसानों को देते रहते हैं। आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से किसान साथी शीतलहर व पाले से अपनी फसल को बचा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की हानि किसान साथियों को ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों की पाला होता क्या है। किसान साथियों, जब वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री के सेल्सियस के आसपास या फिर उससे नीचे चला जाता है तो हवा का जो प्रवाह है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पौधों की कोशिकाओं के अंदर और ऊपर मौजूद पानी जम जाता है और ठोस बर्फ की पतली परत बन जाती है। इसे ही पाला कहते हैं। किसान साथियों, फसलों में फूल और बालियां आने या उनके विकसित होते समय पाला पड़ने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। पाले का प्रभाव पौधे की पत्तियां और फूल झुलसने लगते हैं, जिसकी वजह से फसल पर असर पड़ता है। कुछ फसलों पर बहुत ज़्यादा तापमान या पाले का झेल नहीं पाती है, उससे फसल खराब होने का खतरा मंडराता रहता है। किसान साथियों, सब्जियों के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आलू, टमाटर, मिर्च, बैंगन, मटर की फसलों के अंदर देखने को मिलता है। वहीं दूसरी फसलों में चना, अलसी, सरसों, जीरा, धनिया, सौंफ, अफीम आदि के साथ साथ पपीता, आम और अमरूद की फसलों पर भी पाले का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। अब हम बात करें किसान साथियों कि किस प्रकार से किसान साथी अपनी फसलों को पाले से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान साथियों, किस प्रकार से किसान साथी नर्सरी में जो फसल है उसको किस प्रकार से बचा सकते हैं। किसान साथियों, आपके पास जैसे कि कोई टाट, पाल या कोई भूसा रखा हो, उससे आप ढककर अपनी नर्सरी की जो फसल है उसको बचा सकते हैं। ध्यान दें कि शाम के समय पर इसको ढक दें और दिन के समय में इसको हटा दें। अब बात करते हैं किसान साथियों, दूसरी फसलों को किस प्रकार से आप शीतलहर या फिर पाले की चपेट में आने से बचा सकते हैं। किसान साथियों, हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट इरिगेशन, यानी कि हल्की सिंचाई करें। किसान साथियों, जिन किसान साथियों के पास जो स्प्रिंकल सिस्टम यानी कि जो फुहारा विधि यूज करते हैं, वो थोड़ा बहुत फुहारा चलाएं, जिससे, और जिन किसान साथियों के पास नहीं है वो हल्की सिंचाई कर सकते हैं, जिससे कुछ हद तक पाले की चपेट से फसल को बचाया जा सकता है। दूसरा तरीका है किसान साथियों, थायो यूरिया। थायो यूरिया एक किस्म से यूरिया ही होती है, जो कि सिर्फ ऑक्सीजन की जगह पर जिसके अंदर सल्फर मौजूद होता है, जो कि फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसकी मात्रा की बात करें तो 500 ग्राम 1000 लीटर पानी के अंदर घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं, जो कि पाले से आपकी फसल को बचाने के लिए कुछ हद तक सक्षम है। आगे है किसान साथियों, सल्फर यानी कि गंधक। गंधक का प्रयोग करके भी आप कुछ हद तक पाले की चपेट को कम कर सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करें तो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के लिए आपको काफ़ी रहेगी। जो किसान अगर वाटर सोल्यूबल यानी कि जो पानी में घुलनशील का प्रयोग करते हैं, वो किसान साथी 600 ग्राम प्रति एकड़ की दर तक डाल सकते हैं। किसान साथियों, जैसे सल्फर है वैसे ही एक सल्फ्यूरिक एसिड आता है, जिसे गंधक का तेजाब कहते हैं, जिसके अंदर आयरन होता है, वो भी आप डाल सकते हैं फसलों के अंदर। लेकिन ध्यान रखें कि ये सभी फसलों के अंदर ये नहीं डलता है, क्योंकि ये कई फसलों के अंदर सेंसिटिव होती हैं, उनके अंदर कुछ हद तक नुकसान होने की भी संभावना इससे बन जाती है, तो सभी के अंदर ना डालें, लेकिन दूसरी फसलों के अंदर इसको डाला जा सकता है। आगे तो हमारे देसी तरीका है किसान भाइयों, जैसे कि
राख बुरका कर या फिर धुआं करके भी। राख बुरकाना यानी कि जैसे कि जो हमारी चूल्हे की राख होती है उसको भी अगर थोड़े एरिया में है तो किसान साथी राख बुरका कर भी उसे कम कर सकते हैं, या फिर जो धुआं है खेत के मेड़ों पर जैसे कि घास पड़ा हो भूसा पड़ा हो उसको जलाकर भी आप तापमान को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि खेत के अंदर कुछ हद तक पाले की चपेट से बचाया जा सकता है। किसान साथियों एक दो चीज़ और है, जैसे कि आपको क्या करना चाहिए पाले के दौरान और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखें किसान साथियों खेत के अंदर खरपतवार ना हो, कि खेत के अंदर अगर खरपतवार है तो उसको निकाल दें, क्योंकि जब भी धूप या फिर सूर्य का प्रकाश मिलता है तो वो पौधे के अंदर जो खरपतवार है वो रोक लेती है, जिससे कि पौधे को पूर्ण प्रकाश नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज़ है किसान साथियों खेत की जो मेड़ होती है यानी कि खेत के बाहर की तरफ, किसान साथियों नीम शीशम जामुन बबूल खदोड़ी जैसे पौधे आप लगा सकते हैं, या फिर किसान साथी गति अवरोधक जो आती हैं जैसे कि विंड ब्रेक या फिर सेल्टर बेल्ट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिन किसानों के एरिया के अंदर अगर हर बार जैसे शीतलहर या फिर पाला पड़ने की संभावनाएँ रहती है। एक चीज़ और किसान साथियों, जैसे कि खेत के अंदर जो मिट्टी होती है उसको ना पलटें, इससे मिट्टी का जो तापमान है वो काफ़ी हद तक कम होने की संभावना रहती है और फसल को नुकसान होने की भी संभावना बढ़ जाती है। किसी भी प्रकार से फसलों के अंदर उर्वरक की कमी बिल्कुल भी ना आने दें। अगर फसलों के अंदर उर्वरक की कमी आ गई, क्योंकि जैसे कि हम भी कहते हैं कि जब कुछ खाएंगे नहीं तो फिर हेल्दी कैसे रहेंगे, वैसे ही बात है किसान साथियों, फसलों के अंदर भी अगर उर्वरक शक्ति की कमी आ जाती है तो पाले के चपेट में आने के जल्दी आसार हो जाते हैं। अब आलू की बात करें तो किसान साथियों आलू की फसल के अंदर मिट्टी बिल्कुल चढ़ा दें, जब अगर मिट्टी नहीं चढ़ेगी तो चपेट में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप आलू की फसल के ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं तो उस हद तक उस वहाँ पर भी फसल को बचाया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो किसान साथियों लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि दूसरे किसानों तक भी हमारी जानकारी पहुँच पाए। धन्यवाद।